बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जनाब वंस अगेन वेलकम बैक इन डे विद उजाला। आज जनाब जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो वो है जनाब लड्डू पीठी के बारे में। और आपको पता ही है कि लड्डू पीठियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती हैं। बेसिकली ये पंजाब में ही मैंने जो है वो ज़्यादा देखी हैं और यहाँ पर बहुत मज़े से खाई जाती हैं, बड़ी इंजॉय की जाती हैं। तो मुझे एक जगह की लड्डू पीठियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, लड्डू पीठियाँ खाने का मज़ा तो सर्दियों में ही है, बिकॉज ये गार्निश होती है फ्रेश मूलियों से। और यहाँ पर आप बाबा जी का पूरा सेटअप जो है वो देख सकते हैं कि फ़्रेश मूलियाँ ग्रेट हुई हुई हैं। यहाँ गर्मा गर्म लड्डू पीठियाँ ताज़ा ताज़ा जो है वो फ्राई होती हैं। उसमें कुछ चटनियाँ हैं, यहाँ पर इसमें चटनियाँ हैं, ये मीठी चटनी में भी अवेलेबल होता है और जनाब ये खट्टी चटनी में भी अवेलेबल होता है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ताज़ी ताज़ी बाबा जी जो है वो चटनी पीसते हैं। तो ये है जनाब बाबा जी का सेटअप। और बाबा जी जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, सामने आके जो है वो वीडियो में बात नहीं करते, लेकिन इनको 6 से 7 साल। यहाँ मैं आपको बाबा जी दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ द क्यूट बाबा जी, और जो कि ये लड्डू पीठियाँ बनाते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दें। और ऑब्वियसली हम लोगों को इस तरह के बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए, और इनका जो है वो टेस्ट अगर अच्छा होता है, हर चीज़ जो है वो फ्रेश बनाई हुई होती है, तो हम लोगों को इनको प्रमोट करना चाहिए। और हमें यहाँ तो यहाँ पर मेरी लड्डू पीठियाँ तो आ गई हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि कितनी मज़े की ये लड्डू पीठियाँ लग रही हैं। यहाँ पर जो है वो ग्रेट हुई हुई मूली है और ये मज़ेदार सी जो है वो हमारे पास लड्डू पीठी फ्रेश जो है वो है, जिसमें जनाब हरी चटनी भी है और इमली की चटनी है और मज़े की जो है वो लड्डू पीठियाँ मौजूद हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा खा के भी ऑब्वियसली बता देती हूँ कि आप इसका टेक्सचर ज़रा चेक करेंगे, ये कितनी जो है वो सॉफ्ट होती हैं। ये देखें, ये एकदम ये सॉफ्ट होती हैं और इतनी ये गर्मा गर्म है ना कि मेरे तो देखकर ही जो है वो मुँह में पानी आ रहा है। और ये आप देखें जनाब, ये स्पून जो है वो जाने लगा है मेरे मुँह में। माइंड ब्लोइंग। और जनाब बाबा जी ने हमें अपना कार्ड भी दिया है। और ये आपकी कोई शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं या आपके अगर लार्ज ऑर्डर्स होते हैं तो उन पे भी ये ऑर्डर्स जो है वो ये लेते हैं, और ये 100 रुपये पर प्लेट के हिसाब से ये देते हैं, और अगर यहाँ आके खाई जाए तो 80 रुपये के हिसाब से प्लेट मिलती है। तो जनाब ये डिलीशियस मौका, ये डिलीशियस लड्डू पीठियों का मौका आप लोग हाथ से ना गवाएं और इसको अवेल करें। ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही, और चलती हूँ मैं, इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने रखना है जनाब अपना बहुत सारा ख्याल। खुश रहें, खुश रहने दें, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।